आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल के तालिबे इल्मों ने गांधरबल के अंदर एक एहतजाज दर्ज करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर पर इल्जाम आयद किए कि उनके जो नतीजे निकल के सामने आए हैं वो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं हैं। और स्टूडेंट का ये भी कहना था कि साल भर की मेहनत के बाद हमें 3 मार्क्स दिए गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की जानिब से, और साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से ये दरख्वास्त की है कि हमारे फिर से जो पेपर्स हैं वो इवेलुएट किए जाएँ और हमारे रिजल्ट फिर से दोहराए जाएँ। आइए देखते हैं गांधरबल से पुकार न्यूज़ नेटवर्क की ये खास रिपोर्ट। हम इंसाफ चाहते हैं, इन्होंने हमारे पेपर्स में 0 मार्क्स रखे हैं। आपको नहीं लगता कि ग्रेजुएट स्टूडेंट अपने पेपर में 10 मार्क्स भी ला सकता है? ऐसा हो सकता है कि किसी बंदे का, किसी स्टूडेंट का 2 मार्क्स रखे हैं अपने हिसाब से, जिस पेपर में 60 में से मार्क्स थे उनके रखे हैं 60? ये कैसे पॉसिबल है? हम एग्जामिनेशन कंट्रोलर से यही बोलना चाहते हैं, अगर ये 60 में से मार्क्स है तो 68 कैसे आया? अगर उनको लगता है कि उनकी गलती नहीं है तो हमें प्रूफ देना, हमारे पास प्रूफ है, हमें बोले हम कहाँ पे गलत है, हमें रीचेकिंग चाहिए। अब आप क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं, रीचेकिंग चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। हमने पेपर अपने अच्छे किए हैं, हम रीचेकिंग चाहते हैं और कुछ भी नहीं। हमारी मांग इतनी है एग्जामिनेशन कंट्रोल। हम डीडीसी गांधरबल से हैं। हमारा आज का प्रोटेस्ट करने का मेन मोटिव यही था, हम किसी से आम आवाम को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। हमारा अपनी यूनिवर्सिटी नौ लोगों का रिक्वेस्ट है कि जो हमारे पेपर्स हुए हैं हमें उसमें इंसाफ दिया जाए। जो हमने पेपर्स किए वो हमने अपनी मेहनत से किए, हमने 100% ना सही लेकिन 90% ज़रूर हमारे पेपर्स हुए। जो आज तक हमारा रिजल्ट रहा है वो हमारा रिजल्ट 70+ रहा है। मेरा लास्ट 2 सेम्स का 80% रिजल्ट रहा है। लेकिन हमारी ग्रुप हमने, थैंक यू सो मच जो हमारी प्रिंसिपल है, हमने इनसे शिकायत की, इन्होंने आप हमारी एप्लीकेशनस ले ली है लेकिन उसका भी कोई भी नतीजा नहीं निकला। लास्ट टाइम हमारे जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं उन्होंने शर्मीन से बात करते हुए कहा कि हमारे इवेलुएटर्स की कोई गलती नहीं है। अगर इवेलुएटर्स की गलती नहीं है 120 दिन में रिजल्ट कैसे निकला, जो कि इवेलुएशन का टाइम है यूनिवर्सिटी के अंदर 40 डेज में निकलना चाहिए। और ये चाहते हैं हमारे पेपर्स में रीचेकिंग हो या हमें इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह जी जीडीसी गांधरबल से बिलोंग करते हैं तो हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारा, इन्होंने 50 सेम का रिजल्ट ठीक से नहीं निकाला, उसके बाद इन्होंने 2-3 दिन में हमारा 6 सेम का रिजल्ट निकाला जिसमें इन्होंने बहुत सारों का बैकलॉग रखा है, ठीक से चेक नहीं किया हमारे मार्क्स। तो हम बस यही चाहते हैं कि हमें जस्टिस मिले, हमारे पेपर से चेक, ये हमें बोलते हैं कि आप रीचेकिंग फॉरन करो। सारे तो एफर्ट नहीं कर सकते, 5000 या 1000 हम सारे एफर्ट नहीं कर, हम सारे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जरूरी नहीं कि किसी का एक किसी का फादर जॉब करे तो कोई कर सकते हैं, फिर से रीचेक करें। तो हमें ये फ्री में होना चाहिए, हमारे पेपर रीचेक हो जाए, हमें जस्टिस चाहिए।